रंगभरनी एकादशी के उपलक्ष में 3 मार्च को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लट्ठमार होली का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रंगभरी एकादशी के उपलक्ष में सुबह को वृंदावन में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर वहां रंग गुलालों तथा फूलों की होली खेलकर अपने आराध्य को ले जाते हैं। उसके बाद शाम को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रंगभरी एकादशी के उपलक्ष में लट्ठमार होली का आयोजन किया गया, जिसमें एक सुंदर मंच सजाया गया, जिस पर राधा कृष्ण तथा सखाओं का स्वरूप धारण कर भक्तों का मन मोह लिया और रंग गुलालों की बरसात श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा रूप में बरसती रही। सुरक्षा की दृष्टि से मथुरा जन्म कृष्ण स्थान सहित चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर रही तथा बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग तथा मेडिकल सहित अस्थायी शौचालय की व्यवस्थाएं भी कराई गई। मैं पहली बात तो सबको जय श्री कृष्णा, हैप्पी होली सबको। आज मतलब कि मैं जो महसूस कर रही हूँ ऐसा शायद मैंने कभी किया ही नहीं और ऐसी होली मैंने कभी नहीं खेली। हालांकि मैं पहली बार आई हूँ, मथुरा वृंदावन सब घूमा मैंने, पर जो मजा मेरे को यहाँ आया ना सच में कभी नहीं आया। और इन्होंने ना मेरा सब कुछ धन्य कर दिया, मेरे को इधर बुला के वृंदावन मुझे बुला के मथुरा मुझे बुला के अपनी जन्मभूमि के दर्शन मुझे करा के ना सब कुछ दे दिया इन्होंने मेरे को, तो मैं बयान नहीं कर सकती, सच में ही नहीं कर सकती। आज आप पहली बार आए हैं? हाँ मैं बिल्कुल पहली बार आई हूँ, मेरे को 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी लीला और यहाँ की भूमि का जो मैंने आनंद उठाया है ना, यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ से आई हूँ, बस यूँ लग रहा था मैं यहीं रह रही हूँ और मैं इसके अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती। आप श्री कृष्ण का स्वरूप लेकर के आए हैं, इसका कोई खास महत्व? ये साथ रहते हैं, बस ये मेरे भाई है, मेरे साथ रहते हैं। पर मैं बताना चाहूँगा कि किसी से पूछो कि सबसे तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है तो वो कहेगा प्रेम। अगर किसी से पूछो सबसे बड़ी चीज़ क्या है तो वो कहेगा प्रेम। और भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले त्यौहार में अगर प्रेम कहीं झलकता है, प्रेम कहीं बरसता है तो वो होली है। होली में प्रेम के रंग, प्रेम का उत्साह, प्रेम की उमंग ये सारी बरसती हैं। प्रियतम जू, प्रिया जी और प्रियतम ये दोनों प्रेम के संकेत हैं। प्रेम का पैगाम देने के लिए कृष्ण आए और उन दोनों का भी जो रिलेशन है वो प्रेम को इंगित करता है और उन्हीं के संकेत के रूप में, उनकी क्रीड़ाओं के रूप में इस होली को ब्रज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप समझिए कि 1 महीने लगातार होली खेली जाती है और अलग अलग तिथियों में ब्रज के अलग अलग भागों में इस होली को खेला जाता है, जैसे बरसाने की होली, नंदगांव की होली, वृंदावन की होली, मथुरा की होली, बलदेव की होली। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आपने ये होली का रूप देखा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्यों ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर लोग ये समझें कि केवल तन से होली खेलते हैं, नहीं भाई, ये होली अंतस्थ यानी मन से, बुद्धि से, चित्त से, चेतना से सबसे खेली जाती है, क्योंकि बाहर से लेकर अंदर तक आदमी रंगों में रंग जाता है। बाहर से रंगना तो समझ में आता है लेकिन अंदर से अगर रंगेगा तो उसके लिए प्रेम ही चाहिए। लोग नहीं आए उनको क्या बोलोगे? मैं बोलना चाहूँगा कि वो लोग बड़े अभागे हैं जो नहीं आए, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो उन्हें कम से कम एक बार यहाँ अपने इस रंग में जरूर डुबाएँ, उसका साक्षात्कार करवाएँ इस होली का, तो ये उनके लिए मेरी प्रार्थना होगी। एक प्रश्न आपने ये पूछा है, आपने प्रश्न पूछा है कृष्ण क्यों रखते हैं साथ? भाई कृष्ण तो दिल में बसते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इसको गोदी में लेके क्यों घूमते हो? आप मंदिर में जाके दर्शन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, साथ ले जाने क्या मतलब है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी आपने जिन चीज़ों में रमण किया है, अंत समय में वो सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द आपके भावों में आने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सभावम नास्ति अत्र संशय। वो कहते हैं अंत समय में जो जो व्यक्ति मेरे भाव में रमण करता है तो उसे मेरी ही प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मेरा जो प्रयास है कि खाऊं तो साथ खाएं, सोऊं तो ये साथ सोएं, नहाऊं तो ये साथ नहाएं, मैं कहीं जाऊं तो साथ जाएं। उसे आपने साथ में रखी? हाँ, मुझे करीब 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष से मेरे साथ हैं। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, मेरे साथ कॉलेज जाते हैं, अगर DM के यहाँ मीटिंग भी होती है तो मैं मेरे साथ जाते हैं। प्रेम के रंग से, आनंद के रंग से, बात्सल्य के रंग से, माधुर्य के रंग से आज संपूर्ण कृष्ण जन्मभूमि रंगीन हो गई है, रसमय हो गई है, भावमय हो गई है। श्रद्धालु प्रिया प्रीतम की साक्षात अनुभूति करते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान के लड़ामार होली का आनंद ले रहे हैं। केसर, टेशु और गुलाब पुष्पों की वर्षा हो रही है।
रंगों की वर्षा हो रही है। श्रद्धालु भक्ति और मस्ती दोनों में डूबकर प्रिया प्रीतम की इस पवित्र लीला का आनंद ले रहे हैं।